एसपी तो को बात कर रहे हैं हमारा तो एसपी से बात कर रहे हैं अफजल को भी है ना जी जी सर एसपी हाँ, हाँ, हाँ। से बात कर सर एसपी से ये जो अभी आपने वीडियो देखा उस वीडियो में जो गुहार लगा रही महिला है वो पश्चिम चंपारण के पूर्व जिला परिषद सदस्य दयानंद वर्मा की पत्नी कुमुद वर्मा है दरअसल 14 फरवरी को दयानंद वर्मा की गोली मारकर जान ले ली गई थी वो भी पश्चिम चंपारण के सिरसिया चौक पर पुलिस की मौजूदगी में ये घटना घटा था जिसका आरोप उनकी पत्नी लगा रही है आरोप जेडीयू के वाल्मीकि नगर से विधायक रिंकू सिंह उर्फ धीरेन्द्र प्रताप सिंह पर लगाया गया है इनका कहना है कि अभी तक के आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही हुई है अभी तक उस आरोपी की जिसके खिलाफ उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई है एक और शकील मियां नाम के शख्स हैं उनके खिलाफ भी ये एफआईआर दर्ज कराई गई अपने पति की हत्या का आरोप जेडीयू विधायक रिंकू सिंह उर्फ धीरेन्द्र प्रताप सिंह और शकील मियां पर इन्होंने लगाया है गुहार लगाने अब ये पहुंचे हैं तेज प्रताप यादव के पास दरअसल बिहार में अपराध जिस तरह से लगातार बेलगाम है उसके बाद से ऐसे कई पीड़ित परिवार हैं जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात कर अपना दुखरा सुना रहे हैं और विधानसभा में मांग कर रहे हैं कि उनकी आवाज़ को उठाया जाए उन्हें न्याय दिया जाए ऐसे में जिला परिषद पूर्व जिला परिषद सदस्य की पत्नी भी पहुंची है अपनी पति की हत्या के खिलाफ तेज प्रताप यादव के सामने गुहार लगाने कि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़कर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए नाम उसमें जो सबसे प्रमुख है वो जेडीयू के वाल्मीकि नगर से विधायक रिंकू सिंह का है और उर्फ धीरेन्द्र प्रताप सिंह साथ ही एक और शख्स है शकील मियाँ नाम से उसमें नामजद किए गए हैं बिहार में अपराध जिस तरह से बेलगाम है वैसे लगातार तमाम घटनाएं हमें प्रतिदिन देखने को मिल रही है जिसमें अपराधी बेलगाम हो अपराध की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं इस वीडियो का तेज प्रताप यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट भी किया है और लिखा है चुनाव के दौरान लंबी लंबी हाँकते थे अब काहे हाँफते हो महाराज बिहार की आम आवाम किसान नौजवान सब त्रस्त है बेरोजगारी भुखमरी सरकारी संरक्षण में गुंडागर्दी घोटाले और भ्रष्टाचार ने सारी हदें लांगते हुए प्रकाष्ठा पर पहुंच चुकी है जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील हूं यानी कि वो कह रहे हैं कि जनता की मैं बातों को सुन रहा हूं और आवाज़ उठाते रहूंगा लगातार पंद्रह साल के शासनकाल की बात करते हैं नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव की और उसे जंगल राज करार देते हैं लेकिन बिहार में जब से ये नई सरकार का गठन हुआ है उसके बाद से लगातार अपराध बेलगाम है जब सवाल करिएगा तो जवाब नहीं मिलता है ऐसे में जब पूर्व जिला परिषद दयानंद वर्मा की पत्नी पहुंची हैं अपने पति की हत्या के ख़िलाफ़ एक्शन लेने के लिए पुलिस या कार्रवाई पर सवाल उठाने के लिए तो तेज प्रताप यादव ने उन्हें आश्वासन जरूर दिया है कि उनकी मदद की जाएगी देखना होगा कि क्या विधानसभा में भी यह मुद्दा उठेगा बिहार में अपराध जिस तरह से बेलगाम है उस पर लगातार सवाल खड़े तो हो ही रहे हैं ऐसे में जेडीयू विधायक पर सीधा आरोप लगा है और उनके खिलाफ अभी तक एक्शन नहीं ले जाना एक बड़ा ही दिलचस्प बात कहता है और सरकार के अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर भी सवाल खड़ा करता है अब देखना है कि इस पर जेडीयू क्या जवाब देगी विधानसभा में अगर ये मुद्दा उठता है तो क्या नीतीश कुमार इस पर जवाब देंगे क्या उनके विधायक रिंकू सिंह उर्फ धीरेन्द्र प्रताप सिंह विधानसभा में भी पहुँचेंगे आखिर क्यों नहीं पहुंच रहे हैं और क्यों जे इस पर जवाब नहीं दे रही है और क्यों उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा है यही बड़ा सवाल है बने रहिए लाइव बिहार के साथ हम आपकी आवाज़ हमेशा से बनते रहे हैं आगे भी बनते रहेंगे वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें